Hello students, welcome to our channel Study Teet. Okay, today we are going to learn subject science for class 4, chapter number 7. Our chapter name is Plants, Living and Surviving. So students, तो इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे, ठीक है, कि प्लांट कैसे लीव करते हैं और कैसे अर्थ पर सर्वाइव करते हैं. सो प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. प्लांट्स ग्रो स्लोप ऑफ द माउंटेन, ऑन द सी, इन द रिवर वैलीज एंड लैंड सरफेस. सो प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर सराउंडिंग देयर क्लाइमेट्स. So let's start our chapter. First point is terrestrial plant. Types of plant. ये क्या है? Types of plant है. Terrestrial plant. First point ये हमारा क्या है? Type terrestrial plant. What is terrestrial plant? Plant that grow on the land are called terrestrial plant. जो वैसे plant जो land surface पे, यानी कि plain surface पे, land surface पे grow होते हैं, उन्हें क्या कहलाता है? Terrestrial plant बुलाता है. ठीक है? अब टेरेस्ट्रियल प्लांट की जो है वो क्या होते हैं कि अदर अदर जगह क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है वो भी कई तरह से होते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट हमारा है इन हिली एरियाज, हिल एरियाज में. ठीक है, माउंटेन वाले हिल एरियाज में देखेंगे अब हम लोग. यहाँ पर देखिए, वेदर इज जनरली कोल्ड. माउंटेन एरिया में क्या होता है कि वेदर जनरली कोल्ड होता है, ठंडा होता है. ठीक है, ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट. और उस एरिया के जो ट्री होते हैं वो टॉल होते हैं और काफी स्ट्रेट होते हैं, है ना, एकदम सीधा होते हैं और लंबे होते हैं. दीज ट्री हैव नीडल लाइक लीव. और उस उन सब ट्री में नीडल लाइक लीव्स होते हैं, यानी कि नीडल कहने का मतलब है कि पतला सा नीडल लाइक. ठीक है, फ्लैट चौड़ा नहीं होता है, नीडल लाइक होता है, पतला जैसा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पाइन, फर एंड सेडर. सेडर को देवदार भी बोला जाता है. तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ हिली एरियाज ट्री, द पाइन, फर एंड सेडर. तो ये था हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट में फर्स्ट. टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर का जो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच क्या है, हिली एरियाज. हिली एरियाज में जो है वो टॉल एंड स्ट्रेट प्लांट्स ग्रो होते हैं. एग्जाम्पल्स हम दे चुके हैं, द पाइन, फर एंड सेडर. सेडर को देवदार भी कहा जाता है. अब नेक्स्ट आता है इन द प्लेन्स. प्लेन एरिया में जो है वो कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं. ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस. प्लेन एरिया के जो ट्री होते हैं उनमें लॉट्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं. ब्रांचेस कहने का मतलब उनकी टहनियां, है ना, उनकी टहनी निकली होती है, बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं. दिस ट्री कैन बियर द हीट बट शेड देयर लीव ड्यूरिंग विंटर. ये क्या करते हैं, बहुत सारे हीट बियर करते हैं ना, हीट अब्सॉर्ब करते हैं और शेड देयर लीव्स, अपने लीव्स को जो है वो शेड करते हैं, गिरा देते हैं ड्यूरिंग विंटर. विंटर सीजन में अपने अपने लीव को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, मैंगो, शीशम, पीपल, बनियान एंड साल. ये सब क्या हो गए, लैंड एरिया के, यानी कि लैंड एरिया बोलिए या फिर प्लेन एरिया, है ना, प्लेन एरिया जो होता है, प्लेन एरिया के ये सब ट्री हो गए. इसके एग्जाम्पल्स है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, मैंगो सभी ने देखा है, शीशम, पीपल, बनियान, ये सब क्या है कि हम लोग अपने आसपास में देखते हैं. ठीक है, प्लेन एरिया में हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग भी ज्यादातर प्लेन एरिया में ही रहते हैं. ठीक है, और प्लेन एरिया में ये सब ट्री जो है हम लोग आसपास में और सराउंडिंग में हम लोग देखते हैं इसको. तो ये था हमारा, और आगे भी देखते हैं हम, उसके और भी ब्रांचेस हैं. तो स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन हॉट एंड डैम्प एरियाज. ठीक है, हॉट एंड डैम्प एरियाज में किस तरह के ट्री ग्रो होते हैं. ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव बट दे डू नॉट शेड देयर लीव इन द विंटर. हॉट एंड डैम्प एरियाज में लॉट्स ऑफ लीव होते हैं. ट्री के अंदर क्या होते हैं, ट्री में बहुत सारे लीव्स होते हैं और ये शेड नहीं करते हैं अपने लीव को विंटर में. विंटर में भी क्या करते हैं, अपने लीव को शेड नहीं करते हैं ना, गिराते नहीं है. दे रिमेन एवर ग्रीन लाइक द टीक एंड कोकोनट ट्री. ये हमेशा एवर ग्रीन रहते हैं. ठीक है, यानी कि हमेशा ऑलवेज क्या, ये हरे भरे रहते हैं, जैसे कि टीक एंड कोकोनट की ट्री होते हैं. ठीक है, उसी तरह से ये क्या होते हैं, एवर ग्रीन प्लांट्स हैं. एग्जाम्पल देखते हैं किसको, है ना, पीपल हो जाएगा, रबर,
फिर शुगर केन, राइस, कॉटन, ईटीसी। तो ये थे हमारे एग्जांपल, ठीक है, हॉट एंड डैम्प एरियाज वाले ट्री के। अब आते हैं नेक्स्ट इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान वाला एरिया, ठीक है। डेजर्ट एरिया में जो ड्राई एरिया होता है उसमें किस तरह के प्लांट ग्रो होते हैं, ठीक है। मोस्ट प्लांट ग्रो विदाउट लीव्स। डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली विदाउट लीफ के होते हैं, ठीक है। प्लांट्स हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीफ। प्लांट्स के पास क्या होते हैं कि पत्तियों के जगह, लीव्स की जगह क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस भी होता है कांटा, है ना, कांटा होता है। तो उसके वहां के डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स में स्पाइंस होते हैं, लीव्स की जगह स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस क्या हेल्प करते हैं, स्पाइंस प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर की बहुत ज्यादा कमी होती है, ठीक है। वहां पर रेन बहुत कम होता है, इसीलिए वहां पर लॉस ऑफ वाटर को वहां पर बचाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वहां के जो डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस क्या करते हैं कि प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, यानी लॉस ऑफ वाटर से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लीव, क्योंकि देखिए अभी हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं कि इसमें क्या होते हैं कि विदाउट लीव ग्रो होते हैं, कि लीव जो होता है वो फूड फैक्ट्री होता है प्लांट्स का, वही प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। लेकिन अब यहाँ इस प्लांट्स में तो लीफ है ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ लीफ फूड कैसे प्रिपेयर होगा प्लांट्स में, डेजर्ट एरिया फूड कैसे प्रिपेयर होगा। तो यहाँ देखते हैं, द ग्रीन फ्लेशी स्टेम ऑफ सच प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल। जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होती थी, क्योंकि ये विदाउट लीव्स प्लांट है, तो इनके जो ग्रीन फ्लेशी स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि फूड बनाते हैं। यानी कि जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में लीव्स में नहीं बनते हैं क्योंकि लीफ होता नहीं है, तो लीव्स में फूड प्रिपेयर नहीं होता है। किससे होता है, स्टेम से, जो ग्रीन स्टेम होते हैं फ्लेशी उनसे होता है, क्योंकि उनमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल्स यहाँ हो जाएंगे कैक्टस एंड पाम ट्री। तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स हैं उनके एग्जाम्पल है कैक्टस एंड पाम ट्री। अब आते हैं हम लोग मर्शी एरिया, यानी कि दलदली एरिया, कीचड़ वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मर्शी एरिया। द सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले। देखिए उस एरिया में क्या होता है, क्योंकि वहां पर कीचड़ दलदल होता है, सालों भर पानी उसमें लगा रहता है, तो वहां क्या होता है, स्टिकी हो जाते हैं, क्ले वाला एरिया हो जाता है, स्टिकी एरिया, ठीक है। द ट्री दैट ग्रो हेयर आर कॉल्ड मैनग्रोव ट्री। यहाँ जो ट्री ग्रो होते हैं उनको कहा जाता है मैनग्रोव, ठीक है, मैनग्रोव बोला जाता है। इन दिस एरिया ट्रीज हैव ब्रीथिंग रूट्स। देखिए ब्रीथिंग रूट्स कहने का मतलब क्या है, यानी कि वो रूट से अपना सांस लेते हैं, है ना, ब्रीथिंग रूट होते हैं इसमें। ब्रीथिंग रूट्स कहने का मतलब है कि देखिए उस एरिया में, मर्शी एरिया में क्या होता है कि सालों भर क्या होता है, पानी लगा रहता है, वहां पर कीचड़ दलदल लगा होता है, तो जो सॉइल होता है वो क्या होता है, वो ढका हुआ रहता है, वाटर से ऑलवेज ढका रहता है। इसलिए क्या होता है कि जो ब्रीथिंग होती है प्लांट्स की सॉइल के थ्रू वो नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि वहां के जो रूट्स होते हैं उस मैनग्रोव जो प्लांट होते हैं उनमें उनके रूट जो होते हैं वो अबव द सॉइल, यानी कि सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं, सॉइल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसका जो रूट होता है, क्योंकि रूट सिस्टम क्या होता है, सॉइल के अंदर होता है जनरली, लेकिन मैनग्रोव ट्री में क्या होता है कि जो रूट होते हैं वो सॉइल के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि वाटर के ऊपर चले जाते हैं, और वहां से क्या करते हैं, वो एनवायरमेंट से एयर लेकर के उससे अपना ब्रीथिंग करते हैं, इसीलिए उनको ब्रीथिंग रूट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उनमें जो रूट होते हैं वो सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं, सॉइल के ऊपर रहते हैं, कुछ पार्ट्स नीचे रहता है और कुछ पार्ट्स जो होता है रूट का वो ऊपर में रहता है, जिसे एनवायरमेंट से एयर लेकर के वो ब्रेथ करते हैं, इसलिए उनको ब्रीथिंग रूट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में एंड मेनी अदर्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टाइप इज एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। वैसे प्लांट जो वाटर में ग्रो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, वाटर के अंदर जो ग्रो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट, ठीक है, वाटर में जो ग्रो होते हैं। क्योंकि हम लोग जो टेरेस्ट्रियल प्लांट इसके पहले पढ़े थे वो क्या था, वो आपको सरफेस पर हो रहा था ग्रो, है ना, लैंड एरिया पर हो रहा था, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड में हमारा एक्वाटिक प्लांट जो कि वाटर में ग्रो होते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट बोला जाता है। एक्वाटिक प्लांट में जो है हमारा, देखिए एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक्वाटिक प्लांट्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स,
फ्लोट फिश होता है तैरना, यानी तैरने वाले प्लांट्स पानी के ऊपर। दूसरा है फिक्स प्लांट, जो पानी के अंदर फिक्स होते हैं। तीसरा है अंडर वाटर प्लांट, और तीसरा क्या है जो कि वाटर के अंदर, यानी अंडर वाटर, वाटर के अंदर वो ग्रो करते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन तीनों को देखेंगे। फर्स्ट हमारा है फ्लोटिंग प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर लाइट एंड स्मॉल इन साइज। ये जो आपको फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ये क्यों फ्लोट करते हैं? बिकॉज दे आर आइदर लाइट एंड स्मॉल इन साइज। ये बहुत ही लाइट, हल्का और स्मॉल साइज के होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। और ये प्लांट जो है जो आपको स्मॉल वाटर एनिमल, जो स्मॉल इंसेक्ट्स या जो भी वाटर एनिमल्स हैं स्मॉल वाले, उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं। किससे? हीट ऑफ द सन से, क्योंकि फ्लोट करते हैं तो जो वाटर के एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स, जो वाटर एनिमल्स है स्मॉल वाले, उसके नीचे आकर के वो अपना हीट से बच जाते हैं, सनलाइट के हीट से वो बच जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो है आपका, देखिए डकवीड, वाटर लेटस एंड वाटर हाइसिंथ। ये जो है आपका एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स है। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट में आप देख सकते हैं सम प्लांट्स आर फिक्स्ड। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं वाटर में फिक्स होते हैं, टू द बेड ऑफ द पॉन्ड, यानी कि जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसके पॉन्ड में वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स हैव हॉलो एंड लाइट। जो इसके स्टेम होते हैं वो हॉलो होते हैं, यानी कि खोखला होते हैं, बीच में वो खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं। ठीक है, और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तभी तो वो इजी आराम से खड़े रह पाते हैं। कीप द लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट। इसी वजह से जो है इसके जो लीव्स और फ्लावर जो है वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख सकते हैं लोटस। लोटस आपने देखा होगा आसपास के पॉन्ड में, वो क्या करता है कि उसका जो फ्लावर है, लोटस फ्लावर, और उसके लीव जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, और नीचे में जो है वो उसका जो स्टेम है वो फिक्स होता है। क्योंकि देखिए स्टेम जो है उसका वो क्या होता है, लाइट होता है और हॉलो होता है, हॉलो होता है। कभी आप लोटस का प्लांट जो है उसको निकाल के देखिएगा, लोटस फ्लावर को, उसका जो स्टेम देखिएगा वो हॉलो टाइप का, पाइप जैसा हॉलो होता है, जैसे पाइप होता है ना हॉलो, उसी तरह से खोखला, वैसे उसी तरह से उसका स्टेम हॉलो होता है और लाइट होता है, इसी वजह से जो है ना उसके फ्लावर और लीफ को वो फ्लोट कराता है। एग्जाम्पल लोटस हो जाएगा और वाटर लिली, है ना, वाटर लिली और लोटस, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फिक्स्ड प्लांट के, जो वाटर में फिक्स्ड होते हैं। थर्ड हमारा है अंडर वाटर प्लांट, जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं। ठीक है, दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स होते हैं, यानी कि रिबन की तरह लंबा क्या होते हैं उसके लीव्स होते हैं, जो कि रूट्स से ही क्या होता है कि क्लस्टर में, गुच्छे में वो ग्रो होता है, रूट से लेकर के पूरा स्टेम तक पूरा छापे रहता है एकदम। ठीक है, क्लस्टर में क्या होता है कि गुच्छे में, क्लस्टर में सोचे गुच्छा, क्लस्टर में वो ग्रो होते हैं। दीज प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा। इसमें स्टोमेटा नहीं होता है, अंडर वाटर प्लांट में जो स्टोमेटा नहीं होता है तो वो ब्रीथिंग कैसे करेंगे? वो ब्रीथिंग करते हैं, दे ब्रीथ देयर बॉडी सरफेस, वो उसका जो बॉडी सरफेस है यानी कि स्टेम जो पार्ट है, स्टेम रूट, वहां से क्या करते हैं कि वो ब्रीथिंग करते हैं, जो उसका बॉडी पार्ट है स्टेम वाला, वहां से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और देखिए ये क्या करते हैं कि जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो वाटर को प्योर भी करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं। कैसे? कि वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर में रहने वाले जो वाटर एनिमल है, जैसे कि आपको फिश हो गया, उसके बाद टर्टल हो गया, है ना, इन सब एनिमल्स को क्या क्यों क्या होता है कि वहां पर वाटर क्लीन मिल जाता है रहने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरत है नहीं फिश के लिए और टर्टल के लिए, वो तो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वाटर में वो क्या करते हैं कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट। इसीलिए जो है कि आपको एक्वेरियम जो होता है, जो कि हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, घरों में रखते हैं, एक्वेरियम में सम प्लांट्स को पुट किया जाता है फिश के साथ कि वाटर को वो क्लीन करेगा। ठीक है, तो यहां पर जाकर के हमारा ये एक्वाटिक प्लांट एंड हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट पार्ट इज प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। सो अब हम लोग ग्रास फैमिली के प्लांट्स के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं फूड मटेरियल्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के लिए फूड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, शुगर एंड फोडर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के खाने के लिए जो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन्स जो होते हैं उनके जो फूड आइटम्स है वो प्रोवाइड होते हैं प्लांट्स से, ग्रास फैमिली से। देखिए, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, शुगर एंड फोडर। फोडर क्या होता है? जो चारा खाते हैं ना एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स खाते हैं उनको फोडर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किससे ऑब्टेन होती है? ग्रास फैमिली के प्लांट्स से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बंबू प्लांट, है ना, जिसको बांस बोलते हैं। बंबू प्लांट जो है आर एक्चुअली गेन ग्रास। बंबू प्लांट को एक्चुअली में ग्रास फैमिली में ही रखा जाता है। ठीक है, वो प्लांट होता है लेकिन उसको ग्रास फैमिली में रखा जाता है। बंबू इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक बास्केट, चेयर, मैट, कर्टेन्स, टॉयज एंड हट्स। बंबू जो है बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। ठीक है, बंबू प्लांट, क्योंकि इसका ना बहुत सारे मेनी मेनी थिंग्स बनाए जाते हैं इससे, जैसे कि बास्केट, चेयर, मैट, कर्टन्स, टॉयज, कर्टन होता है पर्दा, टॉयज एंड नट्स, टॉयज एंड हर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके सारी चीजें बनाई जाती हैं बंबू प्लांट से। ठीक है, जो कि एक ग्रास फैमिली का प्लांट होता है। बंबू शूट हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। बंबू का जो शूट होता है बंबू प्लांट का, वो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है उसमें। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा उसमें होता है। एंड रिच इन विटामिन, सेल्यूलोज एंड अमीनो एसिड, और विटामिन, सेल्यूलोज और अमीनो एसिड से भरे होते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ द इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये सब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया है। उस वहां पर क्या होता है कि वहां पर प्रिपेयर टेस्टी डिशेज, जो इसके शूट होते हैं बंबू के, उससे वहां पर टेस्टी डिशेज बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है उसमें, इसलिए उसके शूट का इस्तेमाल किया जाता है, बंबू ट्री के शूट का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में टेस्टी डिशेज बनाने के लिए। तो बंबू ट्री इज वेरी यूजफुल फॉर अस। अब नेक्स्ट देखते हैं, पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट। पेपर जो है फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड में बना था वो इजिप्ट में बना था। ठीक है, और किस चीज से बना था? फ्रॉम ए ग्रास, एक ग्रास से ही बना था, यानी ग्रास फैमिली के प्लांट से ही बना था इजिप्ट में सबसे पहले। उस ग्रास का नाम क्या है? कॉल्ड पेपिरस। पेपिरस नाम है उस ग्रास का, इसीलिए उसी नाम की वजह से इसका नाम पेपर पड़ा है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट टाइम कहां बना? इजिप्ट में। इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसका एंशिएंट नाम है मिस्र। तो इजिप्ट में बना था किससे? एक ग्रास फैमिली के प्लांट से, जिसका नाम है पेपिरस। अब आते हैं नेक्स्ट, सम प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूज इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ग्रास फैमिली के, उनसे मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है लैब में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हेल्प टू कंजर्व सॉइल। रूट्स, देखिए बोल रहा है कि रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो सॉइल कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि सॉइल को वो क्या होते हैं, उसके रूट जो होते हैं ग्रास फैमिली के, वो होल्ड किए रहते हैं। ठीक है, जो कवरिंग जो कवरिंग क्रॉप जो किसान, जो फार्मर लगाते हैं, ग्रास वगैरह, क्रीपर्स लगाते हैं, ये सब क्या है? ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल कंजर्वेशन होता है, सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। तो देख लिए हम लोग यहाँ पर कि प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सम अनयूजुअल प्लांट। अब हम लोग देखेंगे कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में। वी ऑल नो दैट सम एनिमल ईट प्लांट्स। हम लोग सभी जानते हैं कुछ एनिमल्स जो है हर्बीवोरस एनिमल्स, वो प्लांट्स को खाते हैं। बट डू यू नो दैट देयर आर सम प्लांट्स विच ईट एनिमल्स। क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ प्लांट जो हैं वो एनिमल्स को खाते हैं? सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग लगता है, बट ये सही है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स मत कहने का मतलब है इंसेक्ट्स, है ना, स्पेशली इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये बात एकदम बिल्कुल सच है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। देयर आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। और जो प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल, वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट एंड सनड्यू। ठीक है, ये थ्री प्लांट्स हैं यहाँ पर जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, वो कैसे खाते हैं? जब भी देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट पर जब भी कोई इंसेक्ट आकर बैठ जाता है तो क्या होता है कि वो उसका, देखिए इस तरह से मुंह खुला होता है, जैसे ही कोई अगर इंसेक्ट आकर के उसमें बैठा तो वो ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। ठीक है,
उसमें अपने अपने प्लांट्स में क्या करता है उसको कि वो ऐसे ब्लॉक कर देता है उसको लेकर के, ठीक है। ब्लॉक करने से इंसेक्ट उसमें रह जाता है और इंसेक्ट उसमें डेड हो जाता है, और डेड इंसेक्ट्स के जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके से जो है पीछे प्लांट भी सेम उसी तरह का करता है। उसमें क्या होता है पीछे प्लांट में कि कुछ उसके उसके होल्स होते हैं, उसमें कुछ स्टिकी मटेरियल होता है। जैसे ही कोई प्लांट्स आता है कुछ स्टिकी मटेरियल में चिपक जाता है और चिपकने के बाद उसमें डेड हो जाता है और उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके न्यूट्रिएंट्स को। और नेक्स्ट क्या है सनड्यू। तो इसी तरह से सनड्यू, वीयर्स फ्लाइट है, पीचर प्लांट एंड सनड्यू, ये सब क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल है जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि रेन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट है ना। रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट कहते हैं हॉट और वेट फॉरेस्ट यानी गीले होते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा बारिश होती है, रेन होती है, वो हॉट होते हैं और वेट होते हैं, गीले होते हैं। वेट किस होता है गीला, ठीक है। दैट आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर। ये हमारे जो अर्थ के इक्वेटर है जो कि मिडिल लाइन है, इक्वेटर इक्वेटर मिडिल लाइन होता है, ठीक है। तो आपको इस इक्वेटर के नियर में जो एरियाज हैं वहां पर रेन फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं। मोस्टली रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चार ऐसे कॉन्टिनेंट हैं, सेवन कॉन्टिनेंट होते टोटल, जिनमें से देखिए ये फोर कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग भी रहते हैं इंडिया में, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चार कॉन्टिनेंट में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं मोस्टली। इन रेन फॉरेस्ट देयर आर बोथ टॉल एंड शॉर्ट ट्री। रेन फॉरेस्ट में दोनों बोथ टॉल एंड शॉर्ट ट्री पाए जाते हैं विथ लॉट्स ऑफ क्लाइंबर्स अराउंड, और अपने चार ओर बहुत सारे क्लाइंबर्स भी होते हैं उसमें, ठीक है। द ग्राउंड इज कवर विथ लीव्स। ग्राउंड जो होता है रेन फॉरेस्ट का वो कवर रहता है किससे, लीव्स, फर्न एंड फंगी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट का जो ग्राउंड है वो लीव से क्या होता है कि लीव से, फंगी से और फर्न से पूरा कवर किया जाता है। और जो इतने डेंस टाइप के जो पूरे घने जैसे जंगल होते हैं और लीव्स वगैरह इतना लॉट्स ऑफ लीव्स जो होते हैं उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेन फॉरेस्ट एरिया है वो काफी डार्केस्ट दिखाई देता है, क्योंकि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि घने घने जंगल है, बहुत बड़े बड़े उसमें पेड़ होते हैं ना, ट्री होते हैं, जिसमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ ब्रांचेस निकले होते हैं, लॉट्स ऑफ लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट जो है प्रॉपरली ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि वो काफी डार्क एरिया फील होता है रेन फॉरेस्ट का। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली क्या जाने, हम लोग प्लांट्स के बारे में जाने कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्लांट्स की क्वालिटीज के बारे में हम लोग जाने, कौन कौन से ग्रास प्लांट्स के बारे में जाने, ग्रास फैमिली के प्लांट्स के बारे में जाने, है ना। फिर उसके बाद एक्वाटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं और क्या क्या इनके यूजेस हैं। उसके बाद हम लोग सब अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में भी समझे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था जानना, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए जानना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उसके बाद है रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि हमने जो भी चैप्टर ये पढ़ा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसको अच्छे से हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।